फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं इडली। इडली के लिए मैंने ये चावल और इसमें उड़द की दाल है, बिना छिलके वाली। मैंने इसको पूरी रात के लिए भिगा के रखा हुआ था। आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे से फूल चुकी है। इसको हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। जो चावल है वो मैंने इस कप से 5 कप चावल लिया था और इससे 2 कप मैंने उड़द की दाल ली थी। तो इसको मैंने भिगा के अभी रखा हुआ है। अब इसका पानी निकाल के इसका अच्छे से मैं पेस्ट रेडी कर लूंगी। अच्छे से अभी ग्राइंड करेंगे इसको। और इसमें मैं धनिया पत्ती, लहसुन, अदरक, मिर्ची, नमक, अच्छे से चटपटी से इडली बनाने वाली हूँ। प्लेन इडली नहीं बनाऊंगी, चटपटी इडली बनेगी ये, जो आप खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप देख सकते हैं अभी मैं इसका जा रही हूँ जार में, इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। चल रहे हैं, हम इसका पेस्ट रेडी करेंगे। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ। बहुत ज्यादा पतला इसको नहीं करना है, क्योंकि अच्छी इडली नहीं बनेगी। अभी ये रेडी हो गया। मैंने अभी इसमें डालना है मुझे धनिया पत्ती, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, तो मैं अभी इसी में डाल दूंगी ये सब चीजें। डाल के जितना आपको तीखा चाहिए उस हिसाब से डालना है। धनिया पत्ती, हरी मिर्ची और लहसुन, थोड़ा सा, थोड़ी सी अदरक। अभी वापस मैं इसको एक बार फिर से ग्राइंड कर लूंगी। और नमक इसमें सबसे एंड में डालेंगे जब हम इसको बनाने जाएंगे। अभी इसको अच्छे से अब देखिए, अभी थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, क्योंकि इसमें मैंने वो धनिया पत्ती और हरी मिर्ची डाल दी है, जिससे इसका टेस्ट काफी अच्छा आएगा। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम इसको कम से कम 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, अच्छे से कवर करके। जब बनाना रहेगा फिर इसमें हम नमक डाल के इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी हम चलते हैं, अपना ये कुकर ओपन करते हैं, देखते हैं। देखिए अभी ये मेरी इडली पक गई है, इसमें थोड़ा भी लग नहीं रहा है, सब हो चुकी है। अभी 3 मिनट हो चुका है, 3 मिनट में मेरी इडली बनके रेडी है। और इसमें इसका जो मैंने पेस्ट रेडी किया था उसमें मैंने नमक थोड़ा सा डाला हुआ था। अब आप या तो इसको फ्राई कर सकते हैं, फ्राई करके खाना है तो फ्राई करके खा सकते हैं, या इसको ऐसे ही खा सकते हैं चटनी सांभर के साथ।